अगली बार कही सुनी में। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर है दोसी पर्वत। इसी पहाड़ी पर च्यवन ऋषि का आश्रम मिला था। यहाँ एक और कहानी भी है जो जुड़ी हुई है च्यवनप्राश से। च्यवन ऋषि ने जिस चीज को चाटा और जो जवान हो गए वो च्यवनप्राश के नाम से बाद में प्रसिद्ध हो गए। तो ये वही फॉर्मूला है जो अश्विनी भाइयों ने च्यवन ऋषि के लिए तैयार की थी। बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो क्या प्राचीन काल में भी बाहरी खूबसूरती का उतना ही महत्व था जितना कि आज है? कहीं सुनी। Download and subscribe now. Epic On.